जस्टिस, वही वार्ड जस्टिस। निसार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। निसार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जस्टिस, ऑल आईटी ऑफ यूनियन, जिंदाबाद। ऑल आईटी ऑफ यूनियन, जिंदाबाद। वही वार्ड जस्टिस, मुलाजमीन मुलाजमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलाजमीन मुलाजमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी सारी ये वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने अपनी तन मन से अपनी मेहनत अपना घर बार छोड़ के अपने बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग को छोड़ के चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो हेल्पर हो चाहे वो ECG टेक्नीशियन हो चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो कोई भी हो सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप लोगों को पता है पिछले 7 महीनों से हम इस जंग में बराबर के शरीक हैं लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा है। अब हमें ये वर्दियाँ लगा के आप ये मजाक नहीं है ये तमाशा नहीं है हम खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे ये बहनें जो जो दाएं साइड बैठे हैं इनका कोई शौक नहीं है यहाँ आने का अपना चेहरा दिखाने का। ये अलमिया है यहाँ के गवर्नमेंट पे 7 महीनों से हम तनख्वाह के बगैर है। 7 महीनों में हमें 50% लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। हम जब घर से निकलते हैं सुबह घर वालों को जैसे पहले इजाज़त मांगते थे आज इजाज़त मांगना पड़ता है कि हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता है। ड्यूटी पर जाना पड़ता है क्योंकि हम ड्यूटी जाके 15 दिन बच्चों का मुंह देख नहीं माँ बाप का मुंह देखते नहीं जिनको आज हमारी ज़रूरत है आज हम उनके सहारे जी रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। रिटायरमेंट लोग आपने लाए हैं 40-40, 50-50 हज़ार उजरतें दे के कि हम लोगों के बीमारियों पे चल रहे हैं। जब लोग बीमार होते हैं तब पैसे आते हैं तब हमारी सैलरी मिलती है। हमारी डिमांड्स है कि जो तनख्वाहें हमें HDF से मिलती है वो HDF आप बंद कर दीजिए मेहरबानी करके वो तमाशा बंद कर दीजिए और उसका एक ही हेड बना दीजिए। दूसरी बात हम चाहते हैं जैसे रोज रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनी है यहाँ पे हमें भी रेगुलर किया जाए और एक अकाउंट हेड बनाया जाए जो बाज़ाब्ता इज्जत से फाइनेंस से हमें मिले ताकि हमारी ये बहनें हमारे भाई मुस्तकिल का और हमारे बच्चे बच जाए और उनका मुस्तकबिल भी हमारी वजह से हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल खराब है।